Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख़त लिखना सीखेंगे। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलें। ख़त नवीसी, इसमें हम ये देखेंगे कि ख़त के हिस्से कितने होते हैं, हम उनको लिखेंगे किस तरह से, उन ख़त का हम आगाज़ कैसे करेंगे, ख़त का हम इख्तिताम कैसे करेंगे, अगर हम बड़ों को मुखातिब कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, अगर हम अपने हम उम्र लोगों को मुखातिब कर रहे हैं या अपने अपने से छोटे किसी बहन भाई को, किसी दोस्त को, कज़न को ख़त लिख रहे हैं तो हम कौन से अलकाब इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम ख़त लिख सकते हैं। ख़त लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है? सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं। एक कागज़ लेंगे या कॉपी, उसमें हम जो अहम बातें हैं जो हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने इम्तिहान में कामयाबी के बारे में बताना है, अम्मी जान की सेहत के बारे में पूछना है, छुट्टियों का प्रोग्राम कि हम कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं, या फिर तोहफ़ा किसी ने दिया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, नहीं जो भी मौजू है जिस भी बारे में हमने लिखना है उसके अहम जो बातें हैं वो हमने अपने पास एक सादा कागज़ पर या एक कापी के सफ़े पर हमने उनको लिख लेना है। उसके बाद हमें उसके लिए कागज़ कैसा चाहिए? साफ़ सुथरा कागज़ चाहिए और खुशखत हमने लिखाई का ख्याल रखना है। ख़त लिखने के लिए हमें साफ़ सुथरा कागज़, उम्दा कलम और खुशखत लिखाई का ख्याल भी रखना है। उसके बाद है हिफ्ज़े मरातिब। हिफ्ज़े मरातिब क्या होता है? हिफ्ज़े मरातिब होता है जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसके मरतबे का ख्याल रखना है कि जिसको हम ख़त लिख रहे हैं वो बड़ा है तो हम उसको किस तरह से मुखातिब करेंगे। जब बड़ा है तो ज़रूरी है कि हम उसको एहतराम और अदब के साथ मुखातिब करेंगे कि जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों उनसे ज़ाहिर हो कि हम उसको अदब और एहतराम से मुखातिब कर रहे हैं। अगर हमारे बराबर का वो हम उम्र हो तो हम बेतकल्लुफ़ी भी इख्तियार कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार करेंगे। अब ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, किस तरह से? पहला है अलकाब व आदाब, फिर मज़मून होगा और फिर इख्तिताम होगा। ख़त का आगाज़ किस तरह से किया जाता है देखते हैं। अब बड़ों के लिए इस्तेमाल जो होते हैं अलकाब वो कौन कौन से हैं? अब्बा जान, जैसे अपने अब्बू को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अब्बा जान, वालिद साहब, या अंकल या ताया चाचा को लिख रहे हैं तो ताया जान, चचा जान, दादा जान, मामू जान, प्यारे, मोहतरम, किबला, इस तरह के अलकाब इस्तेमाल करेंगे। और अगर वालदा साहिबा को लिखेंगे या अपनी अम्मी को लिखेंगे तो क्या कौन से अलकाब इस्तेमाल करेंगे? प्यारी अम्मी जान, अम्मी जान, वालदा साहिबा, ताई जान, दादी जान, खाला जान, प्यारी, मोहतरमा, इस तरह के अलकाब इस्तेमाल करेंगे। अब ख़त का इख्तिताम किस तरह से करेंगे? आप ख़त का इख्तिताम करेंगे जो भी आपका रिश्ता है उस, यानी आप अगर अब्बू को या अम्मी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका फर्माबरदार बेटा या बेटी, चचा को लिख रहे हैं या ताया को लिख रहे हैं तो भतीजा, अगर दादा को लिख रहे हैं तो पोता, अगर नाना को लिख रहे हैं तो नवासा, इसी तरह से अगर लड़कियां लिख रही हैं तो आपके फर्माबरदार बेटी, भतीजी, पोती। अब ख़त के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनासिब फासला और वजाहत ज़रूरी होती है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे, उसका इख्तिताम कहाँ से करेंगे। तो जब हम शुरू करते हैं तो हम अपने सफ़े के दाएं जानिब से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हम अपने शहर का नाम लिखते हैं और तारीख लिखते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलें, इसमें इसका मुकम्मल नमूना दिया गया है। तो इस नमूने के मुताबिक, इस पैटर्न के मुताबिक हमने ख़त लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपना पता लिखेंगे, जैसे आप गुजर खान में रहते हैं, मतवा में रहते हैं, जो भी आपको पता है आप पर पता लिखेंगे और तारीख लिखें। आप पहले मुकम्मल पता लिखेंगे, उसके बाद मुकम्मल तारीख लिखेंगे, जैसा कि 8 जून 2021, 12 जून 2021, या जो भी तारीख आप लिख रहे हैं। उसके बाद इलकाब, नहीं आपने मुखातिब किस तरह से करना है, प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मी जान, प्यारी खाला जान, या मोहतरम उस्ताद साहब, या मोहतरम प्रिंसिपल साहब, इस तरह से आपने आगाज़ करना है, यानी आपने जो इलकाब देने हैं। उसके बाद
आप आदाब से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप सलाम देंगे अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप नफ़्से मज़मूनी, उसके बाद जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसको मुनासिब अल्फाज में, जो आपने अहम पॉइंट नोट किए थे या आपने अहम नुकात अपने पास जो नोट किए थे अपने पास लिखे थे उनको आपने तरतीब देना है। तो देखें शुरू किस तरह से करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल से यहाँ भी खैरियत है, नींद की खैरियत पूछनी है, अपनी खैरियत से भी आगाह करना है, और अगर ख़त मिला या जो भी आपने उसके मुताबिक कहना है। एक हफ़्ता कबल आपका ख़त मिला, जवाब देने में देर इस वजह से हुई कि हमारे इम्तिहान ख़त्म होने के बाद खेलों के मुकाबले हो रहे थे और हम उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। आपकी दुआओं से मैं दौड़ के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया हूँ। अम्मी जान की तबीयत कैसी है? उम्मीद है अब वो बेहतर होंगे, जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। घर में सबको दर्जा बदर्जा सलाम व दुआ, दर्जा बदर्जा जैसे बहन भाइयों का हो, अगर बाजी बड़ी बहन है तो बाजी को, अम्मी को, बड़े भाई को, छोटी बहन को, छोटे भाई को, तो उनका सलाम, और अगर बड़े हैं तो उनको आदाब, और अगर छोटे हैं तो उनके लिए प्यार। और इख्तिताम पे आप देखेंगे आपका फर्माबरदार बेटा या आपकी फर्माबरदार बेटी या आपकी किताबें या आप इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अब आपने होमवर्क क्या करना है, आपने अपना काम क्या करना है, आपने अपनी अम्मी जान को ख़त लिखना है जिसमें आपने अपनी इम्तिहान में कामयाबी के बारे में बताना है। आपने ख़त लिखना है जिसमें आपने अपनी अम्मी को अपनी इम्तिहान में कामयाबी के बारे में बताना है।